चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि केरल में मॉनसून ने दो दिन पहले ही दस्तक दे दी है। मॉनसून की वजह से यहां पर मौसम सुहाना हो गया है और समुद्र से सटे हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज मॉनसून की एंट्री हो रही है। मौसम विभाग का ये मानना है और कहना है कि रेमल चक्रवात की वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वक्त से पहले मॉनसून पहुंच रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें देश के मौसम का सूरत-ए-हाल बयां कर रही हैं। उत्तर भारत के राज्यों में भले ही इस वक्त तेज धूप और गर्मी पड़ रही है, लेकिन केरल में मॉनसून झूम के आया है। खास बात यह है कि केरल में मॉनसून दो दिन पहले ही पहुंच गया है। यहां आसमान से राहत की बूंदें बरस रही हैं। वैसे तो मॉनसून आने का तय समय 1 जून माना जाता है, लेकिन इस बार समय से पहले केरल में मॉनसून आने से पूरे देश में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। केरला में मानसून सीजन शुरू हुई है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आज रेड ऑरेंज अलर्ट इश्यू किया है। मेरे अराउंड जो आप देख रही है, ये एक वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है। ये आलपुरा बीच के बहुत पास ही है ये ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड, लेकिन पूरी तरह से ग्राउंड में पानी भर चुकी है। और जैसे आप देख, दरअसल केरल में मॉनसून आने से पहले ही दक्षिण भारत के कई हिस्सों में प्री मॉनसून एक्टिविटीज यानी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का मानना है कि इस साल केरल में मई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मॉनसून आने के साथ ही अब यहाँ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और मॉनसून ऑफिशियली शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले ही पिछले 10 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी केरला में, खासकर सदर्न और सेंट्रल केरला में, जो तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पतनंतिट्टा, इडुक्की, कोट्टयम, आलप्पुझा, एर्नाकुलम, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत तेज बारिश हो रही थी। और इधर आप जैसे मैंने कहा, ये बीच समुद्र के बहुत पास है, तो इसीलिए हवा भी बहुत तेज है इस समय। जानकारों के अनुसार केरल के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज ही मॉनसून पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रेमल चक्रवात की वजह से नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून वक्त से पहले पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी आज राहत की बारिश हो सकती है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मॉनसून आने की अनुमानित तारीख 5 जून है, लेकिन समय से पहले मॉनसून आने के पीछे बड़ी वजह रेमल चक्रवात बताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मॉनसून की परिस्थितियां अनुकूल बना दी है। देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर में समय से पहले मॉनसून की एंट्री उत्तर भारत के राज्यों के लिए भी राहत की खबर है। मॉनसून आने के बाद से ही उत्तर भारत के कई राज्यों में भी मौसम का मिजाज थोड़ा थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है। केरल के अलपुझा से शिविमोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से इन इलाकों में पारा गिरेगा और गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलेगी। जी हां, हालांकि राहत अस्थायी होगी, लिहाजा सावधानी से गर्मी का सामना करने की जरूरत है। फिलहाल डिटेल में आपको बताते हैं उत्तर भारत में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा। पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को कल जाके थोड़ी सी कुछ राहत मिली है। ये राहत से टेम्परेचर में, तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज जरूर हुई है। तापमान आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, जानेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। हम कह सकते हैं कि लू से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, अभी लू से ग्रेजुअली राहत मिल जाएगी। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे, आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में क्लाउड है, जहां भी हीट वेव चल रहा था। इसके लिए हम आज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहां हो सकता है शाम को एक आधा स्टेशन रिपोर्ट कर जाए हीट वेव की गिर पे, अदरवाइज जहां अवेट हो जाएगी। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह में आप क्लाउड्स देख रहे हैं। उसका कारण तो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दूसरा कारण क्या है कि जो हवाएं हैं वो अरबियन सी से आ रही हैं। अरबियन सी से जो हवाएं आ रही हैं वो ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण टेम्परेचर में कल भी ग्रेजुअली थोड़ी गिरावट हुई है। उसके साथ ही हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी भी हुआ है। तो हमारा यही है कि आज के लिए हमारा इन स्टेट के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मीन कुछ हिस्सों में आज भी सीवियर हीट वेव हो सकता है, एक दो स्टेशन रिपोर्ट कर सकता है 47, लेकिन अलर्ट जैसे कल परसों था वैसा नहीं रहेगा और ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे राज्य जिनमें आपने अभी भी रेड अलर्ट
घोषित किया? देखिए, रेड अलर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं है। आज जो हमने रेड अलर्ट दिया है सिर्फ बिहार के लिए किया है। उसका रीजन क्या है कि बिहार में सीवियर हीट वेव है, उसके साथ वार्म नाइट भी है, मीन रात के टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं, दिन के भी बढ़े हुए हैं, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड है। जैसे जो हमारा वार्निंग होता है वो कंपोजिट वार्निंग होता है, सबको कंसिडर करके देते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ हम नहीं कंसिडर करते, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बिहार के लिए रेड अलर्ट दिया है और झारखंड और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है। लेकिन कल के बाद जहां भी जो हवाएं हैं बेओ बंगाल से आएंगी और इसमें ग्रेजुअली कमी आ जाएगी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी तो वेट हो जाएगा। बुधवार को हुई बारिश के बाद जो तापमान में थोड़ी गिरावट आई है उससे हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में तापमान अब थोड़ा कम ही रहेगा, 45 पार नहीं जाएगा? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, जो हमारा अनुमान है 45 प्लस जा सकता है, 47 तक भी जा सकता है, लेकिन सिनेरियो इम्प्रूव होगा। जैसे क्या था कल, मैनी प्लेसेस में था, जैसे राजस्थान में भी था, वाइड स्प्रेड सीवियर हीट वेव था, लेकिन आज वहां स्कैटर्ड हीट वेव रहा, काफी इंटेंसिटी कम होगी। सिमिलरली पंजाब हरियाणा में भी कम होगी, उस हिसाब से जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है, लेकिन एक दो स्टेशन कहीं ना कहीं 47 क्रॉस कर सकता है। और अगर हम बात करें से बारिश हुई है कल दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हुई, तो अभी आने वाले दिनों में है चांसेस की बारिश हो? पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले दिनों में कुछ दिनों में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, हिमालयस में भी रहेगा। चलिए अब आपको देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाते हैं, जहां इस वक्त लोगों को तेज धूप और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री या उसके पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ आजकल घर से निकलना किसी मैदानी जंग में निकलने जैसा ही है। ऊपर से गाड़ी से सफर करते ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं तो ये गर्मी झुलसा दे रही है। इसलिए ही अहमदाबाद शहर की यातायात पुलिस ने कुछ ऐसे ग्रीन नेट लगाए हैं। ऐसे जहाँ सिग्नल पे ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है और हीटवेव के कारण गर्मी में लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो हमने वो थोड़ा डॉम बना के वहाँ थोड़े ही समय के लिए पर उनको राहत मिले पब्लिक को, ऐसा अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोचा था और ये हमारा जो प्रयोग था वो बहुत सक्सेस हुआ है। बेशक ट्रैफिक लाइट पर लगाए ये ग्रीन नेट सीधे पड़ रहे सूरज के ताप से लोगों को कुछ हद तक बचा भी रहे हैं। ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे लोगों के अनुसार ट्रैफिक लाइट पर ग्रीन नेट लगाना एक सराहनीय कदम है। बहुत अच्छी कामगिरी है, इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है और ऐसे हर जगह होना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है और धूप नहीं लगती है, जो भी काम किया अच्छा किया हुआ है और धूप में ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, बहुत तकलीफ होती थी पहले, ये व्यवस्था हो गई है तो बहुत बढ़िया हो गया है, इसलिए अच्छा है। जो भी जिसने भी ये किया है वो सराहनीय काम किया है। तस्वीर हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क की है, जहां हाथियों के अलावा दूसरे बेजुबानों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीब 47 पुराने वाटर होल्स को सुधारा गया और करीब 5 बड़े जलाशय बनाए भी गए, जिनमें भरे जा रहे पानी में हाथी जैसे जानवर न केवल गर्मी से राहत पा रहे हैं बल्कि उसे पीकर इस चुभती जलती गर्मी में अपनी प्यास भी बुझा पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल पक्के वाटर होल हैं उन पर पानी निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्वार किया गया है। यूपी के कानपुर में तो 47 से 48 डिग्री तापमान लोगों को झुलसा रहा है। ऐसे में किदवई नगर सब स्टेशन के अलावा कई कंजेस्टेड जगहों पर ट्रांसफार्मर में बिजली सप्लाई का लोड और गर्मी का अत्यधिक दबाव होने से खराबी आ रही है। यहां तपते ट्रांसफार्मर्स को बीच बीच में एग्जॉस्ट फैन, कूलर और पानी की बौछार कर ठंडा किया जा रहा है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ये स्थिति जहां पर टेम्परेचर रेज हो रहा है, बढ़ रहा है और हमें इसको कंट्रोल करना है 70 के आसपास, वहां पर स्थिर लगा है। जहां खुले में ट्रांसफार्मर लगे वहां पर ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि आसमान से बरस रहे अंगारों के बीच राजस्थान के धौलपुर में बादलों ने बुधवार शाम होते होते छिड़काव कर ही दिया, जिससे तापमान में हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की गई।
यहां मंगलवार तक तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस था। पूरा धौलपुर ही भट्टी की तरह तप रहा था। कूलर, पंखे, एसी ने तो मानो इस चिलचिलाती गर्मी के आगे सरेंडर ही कर दिया। लेकिन बुधवार शाम तक गर्म हवा का रुख बदला। बारिश और हवाएं चलने से धौलपुर की भट्टी का टेम्परेचर 47.3 डिग्री पर पहुंच गया, जिसे यहां के बाशिंदों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, कानपुर से रंजय सिंह और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर, नाम सुनते ही खुशनुमा एहसास होने लगता है। हसीन वादियां और खूबसूरत नजारे दिखने लगते हैं। उन खूबसूरत वादियों को करीब से देखने की हर किसी की हसरत होती है और इन हसरतों ने जम्मू कश्मीर में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस चिलचिलाती धूप और तपिश के बीच कश्मीर की वादियों में इन दिनों रौनक है। सैलानी कश्मीर की वादियों और वहां के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी के सीजन में पर्यटकों के स्वागत के लिए घाटी पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर की वादियां चहक रही हैं। घाटी में बाहर ही बाहर है। खुशनुमा मौसम और खूबसूरत वादियां सैलानियों का इस्तकबाल कर रही हैं। धरती की जन्नत इन दिनों खिली खिली सी है और सैलानियों की रौनक बता रही है कि क्यों कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है। खास बात यह है कि कश्मीर में सैलानियों की तादाद हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह है कि सिर्फ मई में ही सैलानियों की तादाद 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। पर्यटन का सीजन है वो, जो इसको आप कहेंगे ब्लॉक बस्टर की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कई सालों से जो है धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ा और इस साल अगर सरकारी आंकड़ों का माने तो अभी तक 10 लाख टूरिस्ट जो है पर्यटक घाटी आ चुके हैं और अलग अलग जगहों पे जो है विजिट कर चुके हैं। हम इस वक्त डल लेक के किनारे हैं, वर्ल्ड फेमस डल लेक, और ये केंद्र बिंदु रहता है यहाँ के टूरिज्म का, क्योंकि जो भी पर्यटक आता है यहाँ जरूर आता है, यहाँ रहता है और फिर यहाँ बेस बना के जो है बाकी जगहों की तरफ जाते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम। यहाँ जो एक बार आता है यहीं का होकर रह जाता है। ये तस्वीरें श्रीनगर में मौजूद डल लेक की हैं, जहां इन दिनों सैलानियों की भीड़ है। टूरिस्ट यहां वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं और कश्मीर की हसीन वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, हम 3-4 फैमिली से पूरा ग्रुप आया हुआ है, सब बिल्कुल अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब। हमने कभी बिलीव ही नहीं किया था कि इतने सारे टूरिस्ट हो गए और वी आर फीलिंग लाइक विंटर। हमारे यहाँ समर है और यहाँ पे विंटर जैसा फीलिंग आ रहा है। बहुत सुंदर है कश्मीर, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो क्या सबसे अच्छा लगा आपको, कहाँ जहाँ जहाँ आप घूमे? सोनमर्ग में सबसे ज्यादा मजा आया, स्नो में फोटोज आए बहुत अच्छे अच्छे। मैदानों की झुलसा देने वाली गर्मी से दूर पहाड़ों के दरमियान ठंडी हवाएं और शानदार मौसम लोगों को यहां खुशनुमा एहसास करा रहा है। देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंचकर यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इट वॉज माई फर्स्ट डे टूडे, तो एक्सपीरियंस हैव बीन क्वाइट गुड। द सीनिक ब्यूटी, इट्स रियली इनक्रेडिबल। द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड इज बेसिकली द सीनिक ब्यूटी, द गार्डन्स, द ग्रीनरी, द फ्लोरा फौना, इट्स ऑल अमेजिंग। इट्स जो गर्मी हमारी दिल्ली में है उसको बचाने के लिए तो कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस टू एस्केप। देश के कई हिस्सों में गर्मी का 50 डिग्री वाला टॉर्चर है। ऐसे में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं और जब बात सैर सपाटे की हो तो कश्मीर से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं काशी, जहां की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा है। महादेव की इस पावन नगरी में हमारे काशी हमार विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में काशी के इतिहास, वहां की कला और विकास को लेकर कला जगत के महारथियों का जुटाना तो हुआ ही, साथ ही साथ इन कई स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। महादेव की नगरी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पुरातत्व, पौराणिक कथाओं, भूगोल, कला और इतिहास का जुड़ाव काशी को भारतीय संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनाता है।
पौराणिक शहरों में शुमार वाराणसी की अपनी संस्कृति भी है और परंपरा भी। गंगा नदी के तट पर बसे शहर में संगीत भी है, नाटक भी है और मनोरंजन भी। कला तो इसके रग रग में बसती है। बनारस गायन और वाद्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी मोक्ष की नगरी वाराणसी को एक अलग रूप देते हैं। काशी के घाटों की अपनी कहानी है, अपनी रंगत है। इसलिए हमार काशी हमार विकास कार्यक्रम में सिर्फ बनारसी नहीं, आसपास के कलाकारों के साथ कला जगत की नामचीन हस्तियां भी पहुंची। रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ तो कला का प्रदर्शन भी। कोई तस्वीरें गढ़ रहा था तो कोई काशी के घाटों को सजा रहा था। कुल मिलाकर काशी की सांस्कृतिक धरोहर, परंपरा और विकास को सजोने की अनोखी पहल की गई। परंपरा बेसिकली विकास की नींव होती है, बिल्डिंग तो उसके ऊपर ही खड़ी होनी है। अगर आपकी परंपरा आपके साथ नहीं चलेगी, पता कैसे चलेगा कि आप किस रीजन के हैं, कहाँ क्या ओरिजिन है आपका, आपकी बैकग्राउंड क्या है। हम वंशावली देखते हैं जी, ये किस वंश से है, क्या है, तो पूरी वंशावली में जी इसके, अब हमारे राजे महाराजों की ही बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, उसकी पूरी वंशावली देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी परंपरा को साथ लेते हुए, धरोहर को साथ लेते हुए विकास की तरफ। कहते हैं बिना धरोहर के विकास संभव नहीं है, यानी किसी भी समाज या देश के लिए धरोहर नींव का काम करती है। बिना धरोहर के हम कैसे पता करेंगे कि हम कितने हम विकसित हो चुके हैं या विकासशील हैं, उस दिशा में हम कितने आगे जा चुके हैं, इसलिए धरोहरों का होना बहुत जरूरी है। नवीनता के साथ अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलना, यही काशी के विकास की विशेषता है और कलाकारों का मकसद इस कार्यक्रम में पूरा होता भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक मनमोहक तस्वीर। ये तस्वीर आई है वृंदावन से सामने। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी के लिए आम से कुंज बनाया गया और अलग अलग किस्म के आमों से ठाकुर जी का दरबार सजाया गया। दरअसल गर्मी के दौरान तापमान बढ़ने पर ठाकुर जी को ठंडक पहुंचाने के लिए खास आयोजन किया जाता है। वृंदावन धाम के राधा वल्लभ मंदिर में इस दौरान अलग अलग किस्म के कई क्विंटल आम से आम डोल का आयोजन किया जाता है। ठाकुर जी तो आम और ताजे फलों का भोग लगाया जाता है, साथ ही उन्हें गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास उपाय किए जाते हैं। इस दौरान आम के इस्तेमाल से होने वाले खास आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आज साथियों ने आम की कुंज की रचना करी, जिसमें प्रियालाल को बैठा के आम के सुगंध का, आम की ठंडक का, मौसम का उसका अनुभव कराया। बहुत ही सुंदर कुंज बनी आज आमों की, जिसको कि वाणियों में वर्णन आता है आम्र कुंज का, उसका वर्णन हुआ है आज, वो प्रत्यक्ष देखने को दिखी है आज सबको। और रसिक लोगों ने इतना आनंद लिया है आम्र कुंज का कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में इन दिनों नौजवानों के हुनर को तराशने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गुरेज में सेना ने फिल्म मेकिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 10 दिन के वर्कशॉप का आयोजन किया है और फिल्म के अलावा कश्मीरी जायके में भी युवा अपना हुनर दिखा रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही युवाओं को प्रतिभा को निखारने के लिए होम शेफ नाम की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कश्मीरी महिलाओं ने अपना टैलेंट दिखाया। कश्मीर घाटी में ये बदलाव की बहार है। ये कश्मीर के नौजवानों के हुनर को तराशने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना ने मशहूर फिल्म मेकर ओनेर के साथ मिलकर कश्मीर के नौजवानों के लिए फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। फिल्म मेकिंग में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं को इस वर्कशॉप में स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और डायरेक्शन सीखने का मौका मिल रहा है। 10 दिनों का ये वर्कशॉप कश्मीर के नौजवानों में छिपी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। मुझे लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ वर्कशॉप करें और जैसा वर्कशॉप की प्रैक्टिकल वर्कशॉप, खाली थ्योरी में बताना नहीं है कि ये 10 दिन में स्क्रिप्ट भी लिखना है, शूटिंग भी करना है, एडिटिंग भी करना है,
साउंड भी करना है, एक फाइनल फिल्म बनाना, और वो भी स्मार्टफोन पे, ताकि खुद अपने दोस्तों के साथ ये बनाने की एक ये होगा कि जिस जिस का सच में पैशन है तो वो एटलीस्ट एक ब्रीफ एक्सपोजर पाए। पहले भी मैं एक दो जगह पे जा चुका हूँ और स्पेशली गुरेज में करके ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जाके कर रहे हैं तो अपने इलाके में अगर करेंगे, अपने एरिया में करेंगे तो ये ज़्यादा डेवलप होगा। एक्सेप्ट टूरिस्ट हम यहाँ पे और भी ऐसे सोर्स ढूंढ रहे थे जिससे कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकें, तो मुझे लगता है ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ फिल्म की दुनिया में ही नहीं, खान पान के मामले में भी यहाँ के नौजवान अपना हुनर दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने कश्मीर के फूड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में होम शेफ नाम की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों की महिलाओं ने कुकिंग में अपना हुनर दिखाया। बहुत ही अच्छा है, मतलब जिनके पास भी ये स्किल है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके अपना कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाजवान से अलग जो है हम और भी डिशेस बना सकते हैं और यहाँ पे हमें वो मौका मिल गया, इसलिए हम थैंक यू करना चाहते हैं होम शेफ जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। बहुत अच्छा है क्योंकि कश्मीर जो है इट इज़ वेरी रिच इन कल्चर, और मतलब हमारा फूड जो कल्चर है हम उसको बहुत मतलब लाइक करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स और हो क्योंकि अभी एक्सपोजर नहीं है। रेस्तरां या फूड बिजनेस में कुछ नया करने की चाहत रखने वाली महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चांद छूने की हसरत में अक्सर लोगों के पैरों तले हकीकत की जमीन भी खिसक जाती है, लेकिन जब मेहनत के खाद पानी से अरमानों को सींचा जाता है तो बंजर जमीन पर भी फूल खिल उठते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के बीड जिले के कृष्णा मुंडे की। गरीबी और मुफलिसी के बीच मुंडे परिवार ने 10 साल तक एक सपने का पीछा किया, उसे साकार करने की ईमानदार कोशिश की, और जब कामयाबी मिली तो उसका स्वागत कैसे किया गया आप खुद ही देख लीजिए। कृष्णा मुंडे की कामयाबी का किस्सा जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि कोशिश हो तो ऐसी। 10वीं पास करना यूं तो आज के दौर में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मजदूर पिता नामदेव मुंडे के इस बेटे के लिए ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा मुश्किल काम था। कृष्णा 9 बार नाकाम रहे, लेकिन नाकामी हर बार इनकी इच्छा शक्ति और परिश्रम को नई धार देती चली गई, और आखिरकार 10वीं बार झक मारकर कामयाबी को इनका दामन थामना पड़ा। इस तरह महाराष्ट्र के बीड जिले के डाबी गांव के कृष्णा मुंडे हो गए 10वीं पास। पूरे गांव को कृष्णा की इस कामयाबी पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, मुंडे परिवार का वो सपना पूरा हुआ है जिसका उसे पिछले 10 बरस से इंतजार था। लिहाजा डाबी गांव में कृष्णा मुंडे का विजय जुलूस निकाला जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, पूरे गाँव का मुंह मीठा कराया जा रहा है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, और उस कामयाबी का तो कहना ही क्या जिसके लिए पूरे 10 साल मेहनत की गई हो। महाराष्ट्र के बीड से रोहिदास हातागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं रक्तदान महादान, तो अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने 2, 4 या फिर 10 बार नहीं बल्कि 100 बार रक्तदान करके शानदार मिसाल पेश की है। जमशेदपुर के बारीढ़ी के रहने वाले क्रांति कुमार ने यह काम 27 साल 2 महीने 16 दिनों में पूरा किया है। क्रांति कुमार वैसे तो परिवार सहित खड़गपुर में रहते हैं, लेकिन वो हर 3 महीने पर जमशेदपुर जाकर रक्तदान जरूर करते हैं। क्रांति कुमार जमशेदपुर में 100 बार रक्तदान करने वाले सबसे कम उम्र के पहले डोनर बन गए हैं। इन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपना खून देकर अनूठा उदाहरण पेश किया है और तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। इनका कहना है कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि समाज को लाभ होता है। मैंने ये 27 साल का सफर जो है जिस समय में मैंने इसको पूरा किया है, तो मुझे लगता है कि लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की या गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं ये समझता हूँ कि अपना भी सभी लोगों का एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उसी की तर्ज पर मैंने इससे को जारी रखा और प्रयास किया कि हर एक 90 दिन के बाद जो
मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। हर एक 90 दिन के बाद मैंने डोनेट किया और आज मैं एक सफर पूरा कर रहा हूँ। और मेरी तरफ से आग्रह है सबको कि ये एक छोटा सा कार्य है और ये जो ब्लड डोनेशन ब्लड जो जनरेट होने का समय होता है ये 24 घंटे में पूरा हो जाता है। वेब सीरीज पंचायत का तीसरा सीजन OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और इस सीजन को भी बाकी दो सीजन की तरह दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। पंचायत में तो वैसे सभी किरदारों ने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन इसमें एक किरदार है विधायक जी, जिसे अभिनेता पंकज झा ने निभाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पंचायत के विधायक जी से। पंचायत सीजन 3 रिलीज हो चुकी है, किरदार तो बहुत सारे चर्चा में हैं, लेकिन विधायक जी इस बार बहुत ज्यादा लेवल पर बोले जा रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा सर हैं, बहुत स्वागत, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको विधायक के किरदार में देखकर। क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो अपना काम कर दिए बड़े प्रेम से और पूरी जान लगा के किए हैं। और मैं क्या, सब सारे पूरी पंचायत की टीम इतनी ऑथेंटिक है, इतनी सच्ची है कि आप वहां झूठे हो ही नहीं सकते हैं। तो काफी तारीफ हो रही है, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। जाहिर सी बात है, एक पात्र, एक जीवंत पात्र से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो एज ए एक्टर आपको अच्छा लगता है। तारीफ तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन ट्रोल भी आपको बहुत किया जा रहा है, कई चीजें लिखी जा रही हैं उल्टी सीधी, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अब देखो, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और हम जिस फील्ड में हैं, माया नगरी है ना, माया नगरी बोलते हैं ना इसको, तो यहाँ तो मतलब बात को बात में बात, मेरी कविता है कि बातें तो बातें हैं और बातों को बातों से बोले जो बातों को, और बातों ही बातों में बीत न जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है, जो खुद को ही खोया है, और बात बात में जो निकली है उसकी बात, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसकी बात, जो सुनता है सबकी बात। पंचायत पर लौटते हैं, क्या खासियत लगी आपको इस किरदार में, क्योंकि जितने भी आपने फिल्मों के नाम लिए हैं सब बड़े स्टार कास्ट के रहे हैं। यहाँ पर रघुवीर सर को और नीना मैम को अगर छोड़े तो नहीं, ये सारे लोग हैं, लेकिन मजे हुए एक्टर हैं। मैं बताया ना कि पंचायत का जो चंद्रकिशोर सिंह जो विधायक है ना, वो मैंने जो अपने ऊपर काम किया है ना, वो उसका आउटपुट है। मतलब जब मैं शूटिंग में था तो वहां पंचायत के एक्टर लोग आते थे, बोलते थे आप इतना बेबाक एक्टिंग कैसे करते हो, क्योंकि मैंने उसमें काफी इम्प्रोवाइज भी किया है, जो काफी सबको अच्छा लगा, कि वो बोलते हैं कि गाली नहीं सुनेंगे, हम तो गाली नहीं सुनेंगे, तो गजल सुनेंगे। तो ये जो स्पॉन्टेनियस, ये जो मतलब जिंदापन है ना, वो मैंने ध्यान मेडिटेशन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं भीड़ का एक्टर नहीं बनना चाहता था। धन्यवाद सर, और आप से क्या कहें, ज्यादा से ज्यादा जाकर के फिल्म देखिए, और कैसा लगा इनका रोल? पंचायत देखिए, मतलब मजा आएगा, आप कनेक्ट हो पाएंगे और देख पाएंगे कि मतलब जो जेन्युइन एक्टर लोग हैं, जो जेन्युइन गांव से और छोटे छोटे शहरों से, और जो मतलब शेर और सपूत अपना रास्ता खुद बनाता है, जो पगडंडी से होके आए हैं अभिनेता और कलाकार मुंबई तक, इसके लिए मैं सबसे थैंक्सफुल हूँ राम गोपाल वर्मा की, उन्होंने सेंध मारी है, तभी ये सारे जितने भी हैं आज जो रियल वेब सीरीज देख रहे हैं। और पंचायत जो है ना, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चलिए अब आपको पंचायत के फुलेरा गांव की सैर कराते हैं, जिसे वेब सीरीज में यूपी के बलिया का बताया गया है, जहां पर सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चाकी मंडली जमती है। जी हां, लेकिन ये गांव असल में एमपी के सीहोर में है, जिस गांव में पंचायत की शूटिंग हुई है उसका नाम महोड़िया है, और अब ये गांव पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मनोरंजन की दुनिया का ये फुलेरा गांव OTT के जरिए दर्शकों के दिल में घर बना चुका है। पंचायत वेब सीरीज में इसी गांव को यूपी के बलिया का फुलेरा गांव दिखाया गया है, जहां सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा की जोड़ी कमाल करती है। लेकिन ये गांव बलिया का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर का है, जहां पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। सीहोर के महोड़िया गांव में पंचायत का सेट सजा था, और इसी गांव को स्क्रीन पर फुलेरा दिखाया गया है। वही पंचायत ऑफिस, वही पानी की टंकी और वही प्रधान जी का घर, सब कुछ हूबहू वैसा ही जैसा पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है।
तीनों पार्ट हमारे यहीं पे बने मोहड़िये में। ये मेरे घर पे बना है, मेरा घर जो बताया वो प्रधान का बताया है, और पंचायत बनी है पंचायत भवन में, और कुछ गांव में भी है थोड़ा थोड़ा सीन। और इस पार्ट में जो तीसरा जो पार्ट बन रहा है उसमें विधायक जी का रोल बताया है, उसमें सीओर का, अपने सीओर का बताया है, मंत्री पेट्रोल सामने जो बाग है उसमें बंगला है उसको बताया है विधायक जी का। बाकी पूरा मोहड़ियम बनी, और मोहड़ियम में जब वो लोग आते हैं बनाने तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गांव पे गांव की रौनक बढ़ जाती है, गांव में विकास भी करवाते हैं। यदि गांव के लोग पांच लोग चल जाते हैं कि साहब हमें ये काम चाहिए गांव में छोटा मोटा, तो वो करवा देते हैं। ऑफ स्क्रीन एमपी का मोहड़िया गांव और ऑन स्क्रीन बलिया का फुलेरा गांव दोनों एक ही है, लेकिन शूटिंग के बाद से ही ये सीहोर का मोहड़िया गांव भी चर्चा में आ गया है। लोग दूर दूर से अब यहाँ इस गांव को देखने आते हैं। सीहोर से नवेद जाफरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बुलंदशहर में खाकी की दरिया दिली दिखाते हैं, जहां एक पुलिस कर्मी ने बंदर की जान बचाई। दरअसल छतारी पुलिस स्टेशन के पास एक बंदर कर्मी की वजह से बेहोश हो गया था, और मौके पे मौजूद पुलिस कर्मी विकास तोमर ने बंदर को तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बंदर की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मी ने उसे पानी भी पिलाया। इस तरह विकास ने एक बेजुबान की जान बचा ली। दो थोड़ा सा पानी और दो, दो पानी डाल, पानी डालने से तो आया ही था होश, इसे पलक तो मार रहा है गुरु। देखिए चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख ही जाएंगे। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, कड़ी मेहनत अगर आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। जी हाँ, आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार। और इन्हीं अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ कल फिर आएंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, चाय पर चर्चा में, गुड न्यूज टुडे पर।